Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, good morning. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं. दो दिनों से बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं था तो मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई. हो गए, मेरे गले में पेन है और रात को ना मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐसे मालिश किया था तो पूरा एकदम से नाक मुँह पूरा ना जाम हो गया है. सुबह बारिश भी हो रही है अभी. वेदर एकदम से चेंज, दो दिन तीन दिन के बाद जाके ठीक लगता है. आज लगता है कि हो जाएगा ठीक. और ये वीडियो मैंने लास्ट फ्राइडे को बनाया था. एक्चुअली उसके बाद ना मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तो काफ़ी दिन हो गया मैंने आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है. सुना ए 6:30 हो लो रे. और अतनु गया है कृति को उठाने के लिए क्योंकि ठंड में ना सुबह का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है. सो कृति यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उठी है और स्कूल के लिए रेडी होगी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चल ब्रश करो ना. बारिश है अभी लेकिन वॉशिंग मशीन ऑन करके ना चला दिया है क्योंकि कपड़े एक दो दिन में तो सूख ही जाएंगे. और आज कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू अभी भी बारिश हो रही है. और ये जो 6 o'clock से स्टार्ट हुआ है ना अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है. आलू तो प्याज था लास्ट टाइम ना. तो बहुत टना नहीं, छोटो ना नहीं दिखते. एक बार मत जाते भाई. हाँ और अभी हम लोग आए हैं वेजिटेबल का शॉपिंग करने के लिए क्योंकि वेजिटेबल बिल्कुल नहीं था. मतलब मैं कुकिंग करूँगी यहाँ से वेजिटेबल ले जाने के बाद तो इसीलिए सुबह सुबह आना पड़ा. और नॉर्मली क्या होता है ना अतनु ही आके लेके जाता है बट मैंने आज सोचा कि चलो मैं भी जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. बहुत दिनों से घर से ही मतलब सब कुछ हो रहा है, बाहर नहीं जाना हो रहा है तो इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा बाहर से घूम के आओ. तो मतलब अच्छा खासा वेजिटेबल शॉपिंग करने के बाद ना माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है. सो आज मैंने दूसरी एक जगह पे ट्राई करने की सोची. ये आयपना का साइड में है और यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेबल मिलता है तो वही मैं यहाँ पे आई हूँ वेजिटेबल लेने के लिए. और ताज़ी ताज़ी वेजिटेबल मिलता है सुबह सुबह यहाँ पे. कृति स्कूल चली गई है तो मैंने सोचा कि जाके वेजिटेबल लेके आ जाती हूँ, उसके बाद ही कुकिंग स्टार्ट करूँगी. और हाँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो गुड न्यूज़ कि कृति का फाइनल राउंड में सिलेक्शन हो गया है बट वो ना फाइनल राउंड में जा नहीं पाई. एक्चुअली एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने प्रैक्टिस थोड़ा बहुत जो भी किया था मतलब जाने के लिए रेडी थी बट उसके बाद ना तबला प्लेयर जो होता है वो नहीं थे उसके साथ तबला प्ले करने के लिए जो चाहिए वो नहीं था. तो इसी के वजह से प्रॉपर जो सेटअप होता है वो उसके पास नहीं था तो इसीलिए ना इस बार वो नहीं गई है. बट हाँ, वो सिलेक्ट हो गई है, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. सो नेक्स्ट टाइम वो डेफिनेटली जाएगी. और चलो, हमारा शॉपिंग भी हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे घर एंड जाके करेंगे कुकिंग. कभी कभी ना बाइक में चढ़ के भी माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है. होता है ना जब हम लोग कंटिन्यूसली घर पे रहते हैं तो माइंड एकदम से ब्लॉक हो जाता है. उसके बाद जब हम लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, कुछ करते हैं, एक्साइटिंग कुछ करते हैं तो माइंड एकदम से फ्री हो जाता है और हमारा दिमाग भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं. तो वही हुआ मेरे साथ, कुकिंग किया. उसके बाद जो कपड़े आयरन के लिए दिए थे वो सारा कुछ मैंने अरेंज करके रखा है. सो एक्चुअली मैं गिन रही हूँ कि 12 कपड़े मैंने दिए थे और सारे अतनु का ही था. एक्चुअली अतनु का ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला है रेगुलर बेसिस में तो इसी के लिए सारे कपड़े मैंने आयरन करके रख दिया है जो फॉर्मल है, जो रेगुलर बेसिस ऑफिस जाने के लिए है. एक्चुअली अतनु फॉर्मल ड्रेस पहन के नहीं जाते ऑफिस, जीन्स पहन के जाते हैं. अतनु को मैंने ना शादी के बाद ही मतलब कुछ महीने के लिए देखा था कि एकदम फॉर्मल वाला ड्रेस पहन के ऑफिस जा रहे हैं. उसके बाद से जब उन्होंने कंपनी चेंज किया है तब से वो ऐसे ही मतलब फॉर्मल नहीं पहनते हैं, रेगुलर जो ड्रेस होता है वो सब ही पहन के जाते हैं. तो जो फॉर्मल ड्रेसेस है वो सब मैं ऐसे ही अंदर रख रही हूँ और जो वो रेगुलर बेसिस में पहनते हैं वो सब हैंग करके रख दूँगी तो उनको लेने में भी ईजी हो जाता है. देखो कृति यहाँ पे कितना काम कर रही है मेरे लिए.
और यहाँ पे ना जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो मैंने धोने के लिए दिया था और वो खाली था ना, तो कृति बोली मम्मा ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कवर जो है उसको डाल देती हूँ। उसको ना अजीब सा लग रहा था बिना कवर का डाइनिंग टेबल, तो वो वही काम कर रही है। इससे मेरा थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है। जो कपड़े थे वो मैंने फोल्ड कर लिए हैं, बाकी ये जो वॉश किया था ये सभी बाकी। कृति ने ना सारा डाइनिंग टेबल का कवर लगाया है, वो बोल रही है मम्मा ऊपर वाला डाइनिंग टेबल का जो कवर है वो वाला मत डालो। एक्चुअली ना मैंने व्हाइट कलर का इसलिए डाला था कि ताकि जो भी मैं खाना वगैरह रखूँ वो उस टाइम पे अच्छा लगे देखने में, बट उसको पसंद नहीं है। अभी उसने बोला है कि ऐसा ही रखो। कुछ याद आया क्या? हम लोग ऐसे डिनर कर रहे थे और पावर बैकअप था, तो सडनली पावर आया और सडनली फ्लक्चुएशन के साथ चला गया। हाँ, और उसके बाद तो अभी तक नहीं आया। हम लोग अंधेरे में बैठे हैं और मोमबत्ती कुछ भी जुगाड़ नहीं है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो ऐसे ये वाला इमरजेंसी लाइट लेके हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी हमारे हाथों में इमरजेंसी लाइट है। पहले क्या हम लोग चार्ज करके रखते थे स्पेशली इमरजेंसी लाइट को, तो अब हमारे हाथों हाथ में होता है इमरजेंसी लाइट। इतना इजी हो गया ना मोबाइल से लाइट। वही देखो, मोबाइल का बैड साइड भी है और गुड साइड भी, वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा चूज करोगे। जला कोई तो ना ट्यूबलाइट। हाँ, ये रहा असली इमरजेंसी लाइट। ये बहुत काम का हुआ इस बार, बहुत काम का। सोचा था कि ये तो, जब पापा दे रहे थे ना तब मैंने सोचा था कि ये तो काम का नहीं है, इतना यूज ही नहीं होता है। किचन को तो क्लीन करना ही है, थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लूंगी, उसके बाद लाइट की और जरूरत नहीं है आज के लिए, मतलब रात के लिए। और कृति को उसमें ना मिल्क दिया, टर्मरिक भी दिया है, टर्मरिक दी नहीं हमें आज के। अब देखो जो ठंडा पड़ा जाए, फैन चाहे ये वाला एक्सपीरियंस बहुत दिनों बाद हो रहा है। फुल मून होता तो ज्यादा अच्छा। मैं काफी दिनों से मेरा बहुत मन था कि फुल मून के टाइम हम लोग बैल्कनी में बैठे रहेंगे, चारों तरफ पावर नहीं रहेगा। ये मौका नहीं मिलता है ना। कृति का भी सो चल रहा है। चलो सोए पड़ो सोए पड़ो, आज तो कृति मजा ही ले रही है अपना। चलो सोए पड़ो, गुड नाइट। আমরা আগে টর্চটাকে এমনি করে রাখতাম, পুরো ঘরের মধ্যে আলো হয়ে যেত।